हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए धमाकेदार वीडियो में। बहुत ही पावरफुल मैसेज है, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो वीडियो को पूरा देख लेना। इसलिए यीशु ने अपने सुनने वालों से कहा था, सावधान रहो ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर अचानक फंदे के समान आ पड़े, यानी मसीह विरोधी का दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी का सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यीशु मसीह ने जो ये शब्द कहा है, इन शब्दों को अपने अंदर गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इतना हाहाकार मचेगा इस पृथ्वी पर मसीह विरोधी के दिनों में। और इन बातों को जो यीशु मसीह ने कहा है, इन्हें हर घड़ी याद रखिए। क्यों? क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर मनुष्यों के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनो, और सिर्फ वही शैतान की दुनिया के अंत से बचेगा और वही उस शानदार दुनिया में हमेशा की जिंदगी पाएगा जो इतनी करीब आ चुकी है। 2 पत्रस 3:13 में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेंगे। यीशु मसीह ने हम सभी से प्रतिज्ञा की है और प्रतिज्ञा के अनुसार धर्मी लोग स्वर्ग में वास करेंगे, नए आकाश और नई पृथ्वी पर, जो इस संसार से निष्कलंक होंगे, पवित्रता का जीवन बिताते होंगे, वही परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। मगर जो शारीरिक दशा में हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी पाप करते हैं, सांसारिक चीजों में मन लगाते हैं, उनका बहुत ही बुरा हाल होगा। इतना हाहाकार मचा होगा इस पृथ्वी पर मसीह विरोधी के दिन में, क्योंकि वह दिन बहुत ही निकट आ गया है। अभी आपके पास पूरा मौका है, आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के पास लौट आओ, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, सब परमेश्वर की दृष्टि में बराबर है और इसकी सजा नर्क में अनंत काल की है। 25:24:7 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा था, जात पर जात और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइंडोल होंगे। पिछली सदी के दौरान हुए युद्धों में लाखों लोगों ने अपनी जवान गवाई है। ब्रिटेन के एक इतिहासकार ने लिखा है, इतिहास दिखाता है कि 20वीं सदी अब तक की सबसे खूनी सदी रही है। यह एक ऐसी सदी थी जिसमें लगातार युद्ध होते रहे। ऐसा वक्त बहुत कम रहा होगा जब दुनिया के किसी कोने में युद्ध न लड़ा जा रहा हो। दुनिया की घटनाएं का अध्ययन करने वाले संगठन वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है, पहली सदी से लेकर सन 1899 तक हुए युद्धों में कुल लोग मिलाकर मारे गए थे, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जवान गंवाई है। जरा सोचिए इन लाखों लोगों को खोने वालों का दुख क्या होगा। इसलिए अभी सभी से बताया जाता है कि पाप मत करो मेरे भाइयों और बहनों, पाप मत करो, मगर वो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में खींच कर फंस कर पाप करता है। थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा शारीरिक मजा लेने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा। उस 7 साल में आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे, उस 7 साल में लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी, बहुत तड़पाया जाएगा इस पृथ्वी पर। युद्ध, अकाल, भूकंप, महामारियां अंतिम दिनों की निशानियां हैं। अंतिम दिनों में ऐसे ऐसे कठिन समय आएंगे। पौलुस साफ बताता है, मेरे प्रियो, खुद गर्ज, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, दगाबाज, मोहब्बत, असंयमी, खूंखार, ये परमेश्वर के चाहने वाले नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। भक्ति का सिर्फ दिखावा करने वाले पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। हे मेरे भाइयों और बहनों, अपना समय फालतू बर्बाद मत करिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अपना समय परमेश्वर को दीजिए और न्यूज देखना बंद कर दीजिए। न्यूज देखने से आपका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग जो यीशु मसीह के नाम पर व्यवसाय बनाकर रखा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और लोगों को यह बहुत कम बताया जा रहा है स्वर्ग और नरक के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में। मैंने YouTube पर ज़्यादा देखा है, न्यूज ही न्यूज ज़्यादा अपलोड किया जा रहा है, बस फालतू की चीज़ें YouTube पर बताई जा रही हैं।
बस पैसों के चक्कर में अगर वे सच्चाई बताना शुरू कर देंगे तो उन्हें डर इस बात का रहता है कि मेरे सब्सक्राइबर ना निकल जाएं। अगर जो सब्सक्राइबर निकल जाएंगे तो व्यूज नहीं आएगा, और व्यूज नहीं आएगा तो पैसा कहां से आएगा, और बेचारा वह मसीही मरकर नर्क ही क्यों ना चला जाए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, कोई नर्क जाए, बस मेरे बेटे बेटियां अच्छे से रहने पाए और बाकी सब कचरा में चले जाए। कुछ पास्टरों की ऐसी सोच है, कुछ यूट्यूब पर जो प्रचार करते हैं उनकी ऐसी सोच है। आज यह बहुत कम बताया जा रहा है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो आपको सीधा सीधा नर्क में जाना पड़ जाएगा। हे मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। आप खुद परमेश्वर से प्रार्थना विनती करिए, अपना समय न्यूज देखने में बर्बाद मत करिए, क्योंकि न्यूज देखने से आपका उद्धार नहीं होगा। आप सभी को बाइबल से सारी प्रकाशित वाक्य की सारी बातें बताई जाएंगी, ताकि आप सभी भाई बहन आप पाप से बच सकें और स्वर्ग जाने के योग्य बन सकें। जितना मेरी तरफ से होगा उतना आपको बताया जाएगा, बाकी सब परमेश्वर के हाथ में। आप सभी को जय मसीह की। जो भाई बहन हमारे साथ में प्रभु यीशु का सुसमाचार फैलाना चाहते हैं, वो हमारी मिनिस्ट्री की बिल्कुल फ्री में मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए वो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वीडियो शेयर करने का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपकी हर एक समय सहायता करे।